हेलो। हाँ भाई, स्कूटर चाहिए भाई? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैक्सी स्कूटर? अच्छा, इंडिया में चाहिए? भाई ऐसा ही कुछ हाल हो जाता है जब हम बात करते हैं इंडिया में मैक्सी स्कूटर्स के बारे में, क्योंकि कोई भी ऐसे अच्छे ऑप्शंस जो हैं हमारे मार्केट में है ही नहीं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे स्कूटर के बारे में जिसके लिए हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैंने पहले भी जो है एक वीडियो बनाया था। तो मैं बात कर रहा हूँ आज यामाहा एनमैक्स 155 के बारे में। अब यामाहा एनमैक्स 155 की जहां तक बात है, तो इस साल स्पेशली 2019 में जो है काफी ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी कि यामाहा जो है इस स्कूटर को हमारे मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इसके प्राइमरीली दो रीजंस थे। सबसे पहला था यामाहा की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको यामाहा ने चेंज किया था। उन्होंने जो है अपना फोकस बजट सेगमेंट से हटा के प्रीमियम सेगमेंट की तरफ लेके गई, और इसी वजह से इस चीज में जो है और भी ज्यादा मतलब ऐसे फ्यूल इन द फायर वाली बात होती है वो हो गई कि यामाहा जो है अब मे बी एनमैक्स 155 को लेकर आ जाए। काफी सारे रूमर्स रिपोर्ट्स जो है इसके बारे में भी आए। उसी वक्त जो है मैंने भी एक वीडियो बनाया था, बट अब भैया अब साल खत्म होने को आ गया और हमने जो अभी तक एक टेस्ट व्हीकल भी नहीं देखा, एक प्रोटोटाइप भी नहीं देखा कि भैया कहीं जो है मतलब टेस्ट वेस्ट हो रही है। अगर आप में से जो लोग ये पूछते रहते हो कि एनमैक्स कब आएगी इंडिया में, तो भैया मोह भी नौबतों कब आएगी। तो चलिए बात करते हैं एनमैक्स 155 के बारे में। उन्होंने जो है इसका नया लेटेस्ट 2020 वर्जन जो है लॉन्च किया है इंडोनेशिया में, इन सारे जो ग्लोबल मार्केट्स है जहां पे एनमैक्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। डिजाइन के बारे में आपको पता है ये मैक्सी स्कूटर्स के डिजाइन कैसे होते हैं, तो यहां पे जो उस लुक के साथ जो डिस्टिंक्ट लुक है यामाहा एनमैक्स 155 का, उसके साथ यामाहा ने जो है कोई भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है, वो एक अच्छी बात है। नई एलईडी हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, स्लाइटली जो है बॉडी पैनल्स में चेंजेस किए गए हैं, विंडस्क्रीन में चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा जो है ऑल इन ऑल जो डिजाइन है वो सेम सा ही रखा गया है। एनमैक्स के डिजाइन के अलावा जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसका फीचर्स लिस्ट और जो परफॉर्मेंस ये ऑफर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स के बारे में। जहां तक फीचर्स की बात है, तो यहाँ पे जो है हमें एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, ये सारी चीजें तो देखने को मिलती है। 2020 के अपडेट में जो है यामाहा ने इसमें एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, और ये जो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है ये बहुत सारी चीजें जो है आपको बताता है। इसके अलावा जो है इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है जिससे जो है आप अपने इनकमिंग मैसेजेस वगैरह को भी देख सकते हो। ये आपको मेंटेनेंस अलर्ट भी देता है, यानी कि आपके स्कूटर की कब मेंटेनेंस ड्यू है, कब क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इसके नए डिजिटल स्क्रीन में ही देखने को मिल जाता है। एक और बहुत ही मतलब अच्छा फीचर है इस स्क्रीन में, वो है इसका इंजन मैल फंक्शन का, यानी कि ये जो स्कूटर है आपको इंजन मैल फंक्शनिंग के बारे में भी बता देगा कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम वगैरह है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है एक ऐप के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। तो एक तो ये MID वाला फीचर नया है। इसके अलावा आपको मिलता है स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी उसी टाइप का टेक्नोलॉजी है जैसा कि हम हीरो के स्कूटर्स में देखते हैं i3S, वो वाला। जहां तक बात है इन सारे फीचर्स की, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जैसे डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें हम डे टू डे इंडिया के स्कूटर्स में जो है नहीं देखते हैं, और अगर ये हमारे मार्केट में आए तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। बट अगर हम बात करते हैं सिंगल चैनल ABS की, अगर हम बात करते हैं स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी की, अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की, तो भैया ये आज भी अब ये हमारे मार्केट में काफी कॉमन फीचर होता जा रहा है। हमने सबसे पहले एंटॉर्क में ये फीचर देखा, उसके बाद TVS ने जो अपने जुपिटर में लेके आ गई, हम एक्सपल्स में देख रहे हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, मतलब ये बहुत कॉमन फीचर बनता जा रहा है, और आजकल आप में से ज्यादातर लोग जो है इस चीज को लेना पसंद कर रहे हो। जहां तक इंजन की बात है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक 155 cc का यामाहा का ब्लू कोर इंजन, और ये ऑलमोस्ट अराउंड 15.1 bhp की ताकत और 13.9 Nm का टॉर्क देती है। तो डेफिनेटली 150 cc के हिसाब से बेहतरीन टॉर्क है, बेहतरीन पावर फिगर्स है, अच्छे अच्छे 150 cc बाइक को जो है पीछे कर सकती है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो हमें काफी ठोस देखने को मिलेगी यामाहा एनमैक्स में। मतलब मैं काफी टाइम से जो ऑटोमोटिव के बारे में लिखता आ रहा हूँ वीडियो बनाने के पहले, जो आप में से मेरे रेगुलर फॉलोअर उनको मालूम होगा, आर्टिकल्स वगैरह लिखता था तब भी जो है, तब जो है ब्लेज वगैरह की अगर बात करें तो उस टाइम जो है मार्केट इतनी तैयार नहीं थी, तो इस वजह से काइनेटिक की जो ब्लेज वगैरह स्कूटर थी वो उतना ज्यादा इंडिया में पकड़ नहीं बना पाई। बट आज अगर हम देखें तो ऐसे स्कूटर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने पैसे शेल आउट करने को तैयार है। साथ में
यहाँ पे पहले जो है इंडिया में इतना ज्यादा हाईवे राइडिंग का कल्चर नहीं था, बट आज जो है इंडिया में हाईवे राइडिंग का कल्चर वाकई में है। और SR150 की सक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो वो जो है इस चीज को इजीली दर्शा देता है कि लोग जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर्स को इंडिया में पसंद कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक स्कूटर NMAX जानी जाती है, उस चीज को यामाहा ने और भी ज्यादा रिफाइन किया है। आप ना ही सिर्फ परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बट टेक्नोलॉजी के साथ भी जो है इसको बिल्कुल ऐसे टाइम के साथ दौड़ाया है। तीसरी बात आती है प्राइसिंग। तो भाई कौन सा स्कूटर आज के टाइम में अच्छा स्कूटर जो है 70,000 के नीचे आपको मिल रहा है? मतलब ज्यादातर लोग जो थोड़ा सा भी प्रीमियम स्कूटर लेने की सोच रहे हैं उनको अप्रोक्सीमेटली 80,000-90,000 खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर आप एक्टिवा 125 BS6 की बात करो तो वो भी जो है 91,000-92,000 का आता है। जब मैंने लास्ट टाइम प्राइस चेक किया था तो उसका टॉप मॉडल 91 के आसपास का आ रहा था। अगर आप एप्रिलिया की बात करते हो, अगर आप वेस्पा लाइनअप की बात करते हो, तो BS6 लाइनअप की अगर आप लेटेस्ट प्राइसिंग देखोगे तो वो जो है ऑलमोस्ट सारे स्कूटर्स जो है 1,00,000 के ऊपर ही है। 1,10,000, 1,03,000, 4,000, 10,000, 15,000, और लोग जो है उनको पैसे देके ले रहे, क्योंकि आज के टाइम में लोग जो है क्वालिटी अच्छे परफॉर्मेंस और फीचर्स वाले स्कूटर लेना पसंद कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि NMAX या फिर फॉर दैट मैटर अगर होंडा ADV 150 की भी बात करें तो वैसे टाइप के स्कूटर्स को लोग डेफिनेटली लेंगे। उम्मीद करते हैं कि शायद 2020 में ये स्कूटर आ जाए हमारे मार्केट में, क्योंकि भाई इंडिया तैयार है, मतलब मेरे ओपिनियन में तो तैयार है। आपको अगर लगता है कि आप तैयार हो ऐसे मैक्सी स्कूटर्स के लिए और यामाहा को ऐसे स्कूटर्स लाना चाहिए इंडिया में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, डू यू थिंक कि यामाहा को ऐसे स्कूटर्स लाने चाहिए, क्या आप ऐसे स्कूटर्स लोगे? तो आपसे मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में, और जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज फास्ट सीबल्स एंड ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर यू प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट एंड ड्राइव। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।